डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड मैथ्स एकेडमी। आज हम केमिस्ट्री के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की 5 मार्क्स के क्वेश्चन को का रिवीजन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं, सो गेट रेडी फॉर इट। और हाँ, चूंकि मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया है तो आप और वो केवल व्यूअर और स्टूडेंट के लिए ही, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ ही जो बेल आइकन गिवन है उसे भी प्रेस कर दे ताकि यू गेट ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू माय चैनल। नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो। हियर क्वेश्चन इज एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड produces brisk efflorescence, what type of ore is this? Write the step required to obtain metal from the enriched ore. यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मतलब यहाँ पे वो occurrence of ore, refining of ore के बारे में, कि अगर हम उसे dilute hydrochloric acid के साथ अगर treat करते हैं तो brisk efflorescence होता है, और ये किस type का ore है? Ore दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा carbonate ore और एक होता है sulphide ore। तो उसमें से हमें इसको identify करना है कि what type of ore is this and write the steps required to obtain metal from the enriched ore। ये पहला क्वेश्चन है, और इसी में हमारा सेकंड बी पार्ट करके है क्वेश्चन कि एन ओर ऑन हीटिंग इन एयर, हीटिंग इन एयर गिव सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नेम द मेथड इन ईच मेटलर्जी स्टेप दैट विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट दिस मेटल फ्रॉम इट्स ओर। अब यहाँ पे ये दूसरा जो प्रोसेस है उसके बारे में पूछ दिया गया है, तो यहाँ पे हीटिंग इन एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर और सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों चीज, यहाँ पे ब्रिस्क एफरेंस लिखा है तो हमें क्लियर हो रहा है, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात हो रहा है, तो दोनों मेथड हमें पता चल जा रहा है कि ये किस टाइप का मेथड है। अब हम वन बाय वन इसका आंसर देंगे। आंसर मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको लर्न करने में कोई दिक्कत ना आए और आप इजिली इसे समझ भी सकते हैं कि कैसे क्या ये हो रहा है। ऐसे आपने ये चैप्टर में पूरा पढ़ा होगा कि कार्बोनेट ओर को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और सल्फाइड ओर को कैसे करते हैं, उसी के बारे में यहाँ लिखना है। ये कार्बोनेट ओर के बारे में बात हो रहा है क्योंकि यहाँ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिस्क एफरेंस होता है, और ये हीटिंग इन एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, यहां जो बात हो जाएगी दैट इज सल्फाइड ओर। तो हम वन बाय वन पहले इसको राइट डाउन कर ले। हियर द गिवन ओर इज अ कार्बोनेट ओर। हम फर्स्ट ये जो ए जो है उसका हम आंसर दे रहे हैं कि द गिवन ओर इज अ कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl produces brisk efflorescence due to the evolution of CO2 gas. CO2 gas का इसमें evolution होता है, इसलिए ये brisk efflorescence होता है। और steps involved in the extraction, यहाँ पे ये पूछा भी जा रहा है कि write the step required to obtain metal from the enriched ore. तो यहाँ पे है कि steps involved in the extraction of metal from the enriched ore are as follows. पहला जो है हमारा वो क्या है, calcination. Calcination, कार्बोनेट ओर इज हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या हम लोग लिख सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर द मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेंड। यहाँ पे जैसे ये ZnCO3, ये जिंक कार्बोनेट जो ओर है ये सॉलिड फॉर्म में, और इसको हीट कर रहे हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट इज जिंक ऑक्साइड एंड CO2 गैस। अगेन जो हमारा सेकेंड स्टेप है, ये जो जिंक ऑक्साइड है इससे ऑक्साइड को अलग करना है, तो रिडक्शन विथ कार्बन, किससे रिड्यूस करेंगे हम, ऑक्सीजन को अलग करेंगे विथ कार्बन। ऑक्साइड ओर, ये जो ऑक्साइड ओर है इज हीटेड विथ कार्बन टू ऑब्टेन अ मेटल। अब ये यहां जो जिंक ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में है, इसमें हम कार्बन से अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो जिंक हमारा अलग हो गया और CO2 गैस रिलीज हुआ। तो ये जो है ये हमारा ये पहला जो था और उसके बारे में यहाँ पे हम स्टेप वाइज देखेंगे, यहां हमें 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। नाउ जो ये सेकंड क्वेश्चन है कि एन ओर ऑन हीटिंग इन एयर, मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर गिव सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नेम द मेटल इन ईच मेटलर्जी स्टेप एंड दैट विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट दिस मेटल फ्रॉम इट्स ओर। तो इसके भी जो स्टेप्स हैं वो भी हम राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम उसे लिख लें। हियर द ओर इज सल्फाइड ओर
एंड द मेथड इन्वॉल्व इन ईच स्टेप ऑफ द मेटालर्जी ऑफ सल्फाइड ओर आर एज फॉलोज। जो क्वेश्चन पूछा है उसको हमने लिख दिया कि सल्फाइड ओर को कैसे अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। पहला तो है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, पहला जो मेथड है दैट इज कंसेंट्रेशन। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इंटू मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड ओर को भी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय रोस्टिंग। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है? हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में जो हीट किया जाता है उसको रोस्टिंग कहते हैं, और ये सल्फाइड ओर को कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड में। और थर्ड होता है कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, अब मेटल ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कार्बन। जो हमारा कैल्सिनेशन का था वही रोस्टिंग का भी है, बट कार्बन से ही हम इसको रिड्यूस करेंगे, ऑक्साइड को ऑक्सीजन को अलग करेंगे मेटल से। बट इसमें क्या है कि इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन जो होता है वो कार्बोनेट ओर के लिए होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, या लिमिटेड जो होता है उसमें आपको एयर जो होगा वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, उसमें वो कार्बोनेट ओर का जो कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है वो भी लिख सकते हैं। तो यहां हमारा ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है, और ये क्वेश्चन को अगर हम इस तरह से स्टेप वाइज लिखते हैं तो हमें फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। 2.5 मार्क्स हमें ये ए जो हमारा है उसमें मिल जाएगा, और 2.5 जो है ये हमारा बी जो ये पॉइंट है इसमें मिल जाएगा। दोनों क्वेश्चन में ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कुछ क्वेश्चन जो है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसमें और भी क्वेश्चन है जैसे कि गिव द रीजन व्हाई स्कूल बेल इज मेड बाय मेटल्स, या फिर आयोनिक जो बॉन्ड होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो सारे रीजन जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ये क्वेश्चन जो एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर है ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।